Hello everyone, today I am back with another video. This is also a requested video. This video was requested by Dipanshu. So Dipanshu, here I am. Okay, so this is a chapter from class 6 book New Oxford Modern English. The chapter's name is The Clever Jadhuji. Okay, bachcho ye ये जो कहानी है ये एक फोक टेल है. फोक टेल यानी कि लोक कथा. लोक कथाएं कहीं पे आपको मिलेंगी नहीं क्योंकि इनके राइटर्स नहीं होते हैं. ये बस एक ज़बान से एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ पास ऑन होती जाती हैं. तो लोग सदियों से पीढ़ियों से एक दूसरे को सुनाते आते हैं, इसलिए इसके राइटर का नाम नहीं पता इनसे. चलिए जल्दी से अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. ओके, इस चैप्टर में दिखाया गया है एक प्रीस्ट यानी कि पंडित जिसने कई साल सेवा करी है एक किंगडम में, पैलेस में. आफ्टर सर्विंग फॉर 70 ईयर्स, 70 साल वहाँ पर सेवा करने के बाद अब वो रिटायर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है. चैप्टर के स्टार्टिंग में उसकी फिज़िकल अपीयरेंस डिस्क्राइब की गई है कि वह देखने में कैसा लगता है. अब वो गंजा हो चुका है लगभग और सर पे थोड़े से बाल रह गए हैं, वो बिल्कुल वाइट हैं बर्फ़ की तरह. होंठ उसके बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, आंखें बिल्कुल अंदर डीप गहराई में जा चुकी हैं, लेकिन उनमें चमक अभी भी बाकी है. इसका मतलब वो यही दिखाते हैं कि उसमें अभी भी एक अलर्टनेस है, वो अभी भी अवेयर रहता है. और क्योंकि रिटायरमेंट हो चुका है तो उसकी जगह अब उसके भतीजे वल्लभ जी को उस नौकरी पर रखा गया है महल में. लेकिन रिटायर होने के बाद भी वल्लभ जी जो हैं जादू जी को सारी महल की खबरें देते रहते हैं, क्योंकि जादू जी का अभी भी महल के खबरों में इंटरेस्ट रहता है और वो अभी भी जानना चाहते हैं कि महल में क्या चल रहा है. इसलिए वल्लभ जी उन्हें सारी खबर देते रहते हैं. एक दिन जादू जी अपने घर के वरांडा में बैठकर उपासना साधना कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तभी वल्लभ जी ने आकर हल्का सा कॉफ किया, हल्का सा किया. ये एक इशारा होता है किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने का. तो उनके कॉफ करने से जादू जी का जो मेडिटेशन थी उससे ध्यान टूटा और उन्होंने उसकी तरफ देखा. तो वल्लभ ने सॉरी बोला कि मुझे माफ़ करना, मैंने आपको मेडिटेशन से जगा दिया, लेकिन खबर ही इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैं रुक नहीं पाया. तो जादू जी ने कहा ठीक है बताओ क्या बात है. तो वल्लभ जी ने कहा कि महल में ये फैसला लिया गया है कि इस किंगडम को, इस राज्य को दो भाइयों में, दोनों भाइयों को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा. एक भाई का नाम था अर्जन सिंह और छोटे भाई का नाम था सबल सिंह. तो जो किंगडम का डिवीज़न होगा वो सुरेंद्र नगर, एक जने को सुरेंद्र नगर मिलेगा और दूसरे को रामपुर. अब जादू जी क्योंकि इतना साल वहाँ रहते चुके हैं, नौकरी कर चुके हैं, तो जानते थे कि सुरेंद्र नगर का जो एरिया है, ज़मीन है, वो बहुत ही उपजाऊ है, फर्टाइल है, वहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है और वहाँ के किसान, वहाँ के गांव वाले बहुत खुश रहते हैं. वहीं दूसरी ओर रामपुर की ज़मीन बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, वहाँ आधी फसल उगती है और वहाँ पर गरीबी है. अगर अर्जन सिंह जैसा अच्छा राजा सुरेंद्र नगर को मिलता है तो सुरेंद्र नगर और तरक्की करेगा, वहाँ और प्रॉस्पेरिटी आएगी. और अगर सुरेंद्र नगर जैसा अच्छा एरिया अर्जन, ये सबल सिंह को मिल जाए, जो कि अच्छा आदमी नहीं है, बहुत ही बदमाश टाइप का आदमी है, वो उस अच्छे भले राज्य को बर्बाद कर देगा. तो जादू जी चिंतित होकर ये सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सुरेंद्र नगर जो है अर्जन सिंह को मिल जाए और सबल सिंह को ना मिले, सबल सिंह को रामपुर ही मिले. अगले दिन वो पैदल चलते चलते महल जाते हैं. महल में वो पहुँच कर देखते हैं कि दोनों भाई एक कमरे में बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं. उनको देखते ही अर्जन सिंह जो है वो उठ के खड़ा होकर उनके पैर छूने, उनके आशीर्वाद लेने जाता है, क्योंकि वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है. बट जो सबल सिंह है उसको बिल्कुल भी जादू जी पसंद नहीं थे और वो बहुत ही बदमाश टाइप का था, गुस्से से देखता था. उसने उठकर उनके पैर भी नहीं छुए, मगर जादू जी ने इस बात से बुरा नहीं माना और उसकी तरफ भी स्माइल करके देखा. तो जादू जी को देखकर अर्जन सिंह बोला कि आपने आने का कष्ट क्यों किया, हमें बुला लेते. मगर जादू जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बात इतनी बड़ी थी
तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाता हूँ महल में। फिर सबल सिंह के दिमाग में खुराफा चल रही थी, उसने सोचा कि चलो किंगडम के डिवीज़न का फ़ैसला इनसे करवाते हैं, ये तो बहुत समझदार बनते हैं अपने आप को। तो उन्होंने तुरंत जादू जी से कहा कि जादू जी आप तो बहुत समझदार हैं, आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप ही हमारे डिवीज़न का बंटवारे का फ़ैसला करवा दीजिए। शुरू में तो जादू जी ने मना कर दिया, क्योंकि वो सबल सिंह से थोड़ा डरते थे कि वो दोनों में से किसी भी राजकुमार से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे, तो वो किसी एक की साइड लेकर नहीं बोल सकते थे। स्पेशली सबल सिंह को तो बिल्कुल भी वो अपने अगेंस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सबल सिंह से थोड़ा डरते थे। तो जादू जी ने कहा, नहीं, अरे मैं तो पंडित ठहरा, मैं कहाँ ये राजदरबार के कामों में आप मुझे इन्वॉल्व कर रहे हो, मैं इनसे दूर ही रहूँ तो अच्छा है। मगर सबल सिंह ने जोर दिया, तो सबल सिंह वहीं गुस्से से बैठा था, जादू जी डर रहे थे। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं फैसला सुनाने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। तो दोनों राजकुमार बैठ के चुपचाप उनकी कहानी सुनने लगे। कहानी कुछ इस प्रकार थी। कहानी ऐसी थी कि एक बार एक गुरुकुल की बात है, दो बच्चे जो थे गुरुकुल के छात्र, उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी और वो अपने गुरु से आशीर्वाद लेने आए विदा लेने के लिए कि अब हम चलते हैं, हमारी एजुकेशन जो है वो पूरी हो चुकी है, तो आप हमें आशीर्वाद दें। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने दोनों बच्चों से कहा, वो गुरु जो थे उस वक्त साधना में बैठे थे, मेडिटेशन में, और उनके चारों तरफ जो थी आग जल रही थी, तो उन्होंने उसी आग में से थोड़ी सी राख लेकर उन दोनों बच्चों को दी और कहा, इसे खा लो। पहले बच्चे ने तो उसको बहुत ही पूजनीय समझा और सोचा कि ये तो इससे ज़रूर मेरा कुछ भला होगा और ये प्रसाद है, तो उसने खा ली। और दूसरे बच्चे ने सोचा, अरे ये तो इतनी बेकार सी चीज़ है, और उसने उसे फेंक दिया बिना खाए। अब आगे चलकर जिस बच्चे ने राख खाई थी वो बच्चा बहुत ही होशियार बना, ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा बच्चा था जिसने राख फेंक दी थी, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया और बर्बाद हुआ, और उसने उसका दोष अपने टीचर पे डाला कि आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया इसलिए मेरी लाइफ ख़राब हो गई। तो अब ये कहानी सुनाने के बाद जाधव जी जो थे वो चल दिए और उन्होंने कहा कि मैं कल दोबारा आऊँगा और कल हम फैसला करेंगे कि कौन से राजकुमार को कौन सा एरिया मिलेगा। अब जब जाधव जी नेक्स्ट डे आए, तो जब वो घर चले गए तो उन्हें यही चिंता सताती रही पूरी रात कि मैं क्या करूं कि अर्जन सिंह को सुरेंद्र नगर मिल जाए और सबल सिंह को ना मिल पाए। तो उन्होंने क्या किया, जो स्टोरी उन्होंने सुनाई थी उससे रिलेटेड ही एक पर्ची और चिट बनाई, जिसमें उन्होंने जो वो चिट्ठी अर्जन सिंह के लिए थी उसमें उन्होंने लिखा कि जैसा अच्छे वाले बच्चे ने, अच्छे छात्र ने किया था, अपने गुरु के कहना मान लिया था और राख निगल ली थी, तुम भी अच्छे बच्चे को ही फॉलो करना, उसकी ही नकल करना। ये चुपचाप उसने मैसेज जो था अर्जन सिंह को भिजवा दिया कि कल जब मैं आऊँ तो तुम अच्छे बच्चे की तरह ही बिहेव करना, अच्छे वाले डिसाइपल की तरह, अच्छे वाले चेले की तरह। अगले दिन जाधव जी लेट हो रहे थे महल पहुंचने में और उन्हें पता था कि आज इतना बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। वो भागे भागे जल्दी जल्दी, जितना जल्द अब उनकी उम्र के हिसाब से चल सकते थे वो चले और महल पहुंचे। महल में वहाँ सब लोग खड़े थे, दोनों राजकुमार, दोनों प्रिंस जो थे वो जाधव जी की तरफ देखने लगे कि चलो अब फैसला हो जाएगा। तो जाधव जी ने वहाँ जाकर सबसे बोला कि मैं दो चिट बना रहा हूँ और इन दोनों पर, एक पर सुरेंद्र नगर और दूसरे पर रामपुर लिख रहा हूँ। अब जो राजकुमार जो चिट उठाएगा उससे फैसला हो जाएगा कि किस राजकुमार के हिस्से में कौन सी ज़मीन आई है। अब उसने चुपचाप दोनों राजकुमारों को चिट दे दी उनकी, और चिट हाथ में आते ही अर्जन सिंह उस चिट को निगल गया, खा गया। और सबल सिंह ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गया, उसने कहा, तुम तो अपनी पर्ची निगल गए, अब कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा राज्य मिला है। जादव जी ने कहा, इट्स ओके, कोई नहीं, तुम्हारे हाथ में तो है ना, तुम्हारी पर्ची से पता चल जाएगा कि उसके हिस्से क्या आया है। तो जब सबल सिंह अपनी पर्ची खोलता है उसमें रामपुर लिखा होता है, तो ऑटोमेटिकली अर्जन सिंह को सुरेंद्र नगर मिल गया। अब इस फैसले को, क्योंकि
संवल सिंह ने खुद अपने मुंह से जादू जी से कहा था फैसला करने के लिए, तो वो इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता था, इस पर उंगली नहीं उठा सकता था, और जादू जी पर कोई हमला भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उसका खुद का फैसला था कि डिसाइड वो करेंगे, और अब उनके हिसाब से डिसीजन हो गया है। लेकिन चैप्टर के एंड में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जाधव जी को कैसे पता चला कि रामपुर वाली पर्ची सबल सिंह ही उठाएगा। अब इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है बच्चों, कि उन्होंने दोनों ही पर्चियों पर रामपुर लिख दिया था, और उन्होंने क्योंकि रात को ही मैसेज भिजवा दिया था अर्जन सिंह को कि तुम पर्ची निगल लेना, तो उसने रामपुर वाली पर्ची अपनी निगल ली और सबल सिंह के पास अपनी रामपुर वाली पर्ची रह गई। तो किसी को पता ही नहीं चला कि दोनों पर्चियां रामपुर वाली थी, एक पे सुरेंद्र नगर नहीं लिखा था। और अर्जन सिंह ने अपने गुरु की बात मानी, उसने अपने पंडित जी की बात मानी, तो वो उसको सुरेंद्र नगर वाला अच्छा एरिया मिला और सबल सिंह को रामपुर वाला इनफर्टाइल एरिया मिला। तो इस उनकी चतुराई से, उनकी क्लेवरनेस से जो था अच्छा एरिया अच्छे आदमी के हिस्से में आया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्लेवर जादू जी रखा गया है। आई होप बेटा आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। और इसके अलावा अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं सबसे यही कहना चाहूँगी दो बातें। पहली बात तो ये कि मैंने ये चैनल सिर्फ अपने शौक के लिए बनाया है, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। मैं बस अपने खुशी से, अपनी मर्ज़ी से ये चैप्टर्स समझाती हूँ या टॉपिक्स समझाती हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई चैप्टर की रिक्वेस्ट मुझे भेजते हैं तो प्लीज़ उस रिक्वेस्ट में आप क्लास और बुक का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं होती बेटा। मैंने डीएवी में टीचिंग की है और अभी इस वक्त मेरे पास डीएवी की बुक्स भी नहीं है, बट डीएवी का पीडीएफ जो है टेक्स्ट का, वो मुझे समहाउ मिल ही जाता है, वेयर एज दूसरी जो बुक्स हैं दूसरे राइटर्स की, वो मुझे नहीं मिल पाता। किसी किसी का तो फिर भी अवेलेबल होता है, बट सब बुक्स का नहीं होता, क्योंकि पीडीएफ कोई अपलोड नहीं करता है, अदरवाइज़ कोई बुक ही नहीं खरीदेगा। इसलिए अगर आप मुझे मेंशन कर देंगे कि वो कौन सी क्लास की और कौन सी बुक का नाम क्या है, तो मेरे लिए थोड़ा उसको उसका टेक्स्ट ढूंढना आसान हो जाएगा। बिना टेक्स्ट पढ़े चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं हो सकती। ये बात आप भी समझ लेना कि चैप्टर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि उससे आपको चैप्टर के बीच की जो गहरी बातें हैं वो समझ आ जाती हैं, कैरेक्टर्स का बिहेवियर, उनका नेचर आपको समझ आ जाता है, कोई भी कैरेक्टर किसी पर्टिकुलर काम को क्यों कर रहा है, उसका मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, वो समझ आ जाता है। प्लस जो आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो चैप्टर के बीच में से पूछे जाते हैं आपके इंग्लिश के एग्जाम में, उनको आपको आंसर करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपने अच्छे से थरली पढ़ा होता है चैप्टर, तो आपको पता रहता है कि ये लाइन किसने कब किसको बोली थी। इसलिए चैप्टर को अच्छे से रीड किया करो। और दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।